हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुए ग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एग्रोनॉमी के फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इस लेक्चर में हम फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग एंटरप्राइजेस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर का टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम। इसमें हम फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन, फार्मिंग सिस्टम के स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें हम फार्मिंग सिस्टम के दो टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लैंड, लेबर एंड कैपिटल, जिसमें हम टू टाइप से क्लासिफाई करते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। ये सब भी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो फार्मिंग सिस्टम ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्मिंग एंड सिस्टम। फार्मिंग का मतलब होता है यहाँ पर हम सोलर एनर्जी को इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। एंड सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है इंटर रिलेशन। जब डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स इंटर रिलेट होते हैं तो वो मिलके एक सेट बनाते हैं, उसे सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले हम एंटरप्राइजेस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको पैसा मिलता है। मींस फार्मिंग करना, पोल्ट्री करना, लाइव स्टॉक को रखना, ये सब हम किस लिए करते हैं? इकोनॉमिक पर्पस के लिए। सो दिस आर ऑल कॉल्ड एज एंटरप्राइजेस। सो फार्मिंग सिस्टम का मीनिंग होता है यहाँ पर हम डिफरेंट एंटरप्राइजेस के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री और कुछ ऐसी एक्टिविटी जिनसे हम कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। सो फार्मिंग सिस्टम इट रिप्रेजेंट एन अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेस। इसके अलावा हम इसकी एक और डेफिनेशन देखेंगे तो फार्मिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है? तो यहाँ पर हम क्या फार्म रिसोर्सेज को इस टाइप से यूटिलाइज करते हैं ताकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, उससे हमें कुछ पैसा मिल सके, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होना चाहिए। मींस हम जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए और हम उनसे इस टाइप से यूटिलाइज करें और कंजर्व करें ताकि हम उनसे फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकें। सो इसे हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। मींस फार्मिंग सिस्टम इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फार्म एंटरप्राइजेस और इट इज़ अ रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। और अगर हम इसकी पर्पस की बात करें तो इसके दो पर्पस होते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल, मींस इससे हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए, और इसके अलावा सेकंड थिंग होती है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मींस हम जो रिसोर्सेज को यहाँ पर यूज़ करते हैं उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और कंजर्व करें ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को फ्यूचर पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकें। सो ये थी फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मिंग सिस्टम में हम जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं वो फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मींस फार्मिंग सिस्टम में हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनसे हमें कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलना चाहिए और सोसाइटी उन प्रोडक्ट्स को और उन मेथड्स को एक्सेप्ट कर सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हम जितने भी एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं वो इस टाइप से होना चाहिए कि वो उस फार्मिंग सिचुएशंस में अप्लाई हो सके। जैसे कि हम एक एरिया में पोल्ट्री रखना चाहते हैं, लाइव स्टॉक भी रखना चाहते हैं, कैटल्स, बफेलोस एंड क्रॉप प्रोडक्शन भी करना चाहते, तो वहाँ की फार्मिंग सिचुएशन, वहाँ की क्लाइमेटिक
कंडीशन इस टाइप से होनी चाहिए कि वो सभी एंटरप्राइजेस के लिए अप्रोप्रिएट हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, फार्मिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पर हम जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड होने चाहिए। मींस हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड करें, उसे कंजर्व करें और रिसाइकल कर सकें। जैसे कि एक फार्म में हम कैटल रियरिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करें। जैसे कि एनिमल वेस्ट को हम एज अ मैन्योर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं उसे हम एनिमल के लिए फॉडर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कंजर्व करते हैं और रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। मींस यहाँ पर हम जो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं सो उसको हमें कंजर्व करना होता है ताकि हम उन्हें फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हम रिसोर्सेज को एक ही बार में सारा यूटिलाइज कर सकें, उसे वेस्ट कर दें ताकि नेक्स्ट ईयर फिर से हमें क्रॉप लगाने के लिए वो यूज़ ना हो सके। सो यहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हम फार्मिंग सिस्टम में डिफरेंट एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, उसे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। सो फार्मिंग सिस्टम में हम अलग अलग एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं, पोल्ट्री, फिशरी, ट्री क्रॉप्स का प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स, सेरिकल्चर, यहाँ पर हम इन सभी एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर मेन स्कोप, इसका स्कोप क्या है कि हम उन डिफरेंट फार्म एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्लानिंग कर सके, उनको एग्जीक्यूट कर सके और उनसे जो हमें प्रॉफिट मिले वो एक सिंगल एंटरप्राइजेस से ज़्यादा होना चाहिए। सो ये था इसका स्कोप। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम को दो टाइप से क्लासिफाई किया है, कलेक्टिव फार्मिंग एंड कल्टीवेटेड फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग नॉन एरेबल लैंड में की जाती है। अब नॉन एरेबल लैंड का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंड जो कि क्रॉप्स लगाने के लिए सूटेबल नहीं है, तो उस जगह पर हम क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, कैटल्स रियरिंग कर सकते हैं, हंटिंग या फिर फिशिंग कर सकते हैं। सो कलेक्टिव फार्मिंग हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं। जैसे कि कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से हनी प्रोडक्शन होना, गम का प्रोडक्शन होना, फ्लावर्स, ये सभी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेस्ट एरिया से, जहाँ पर हमने कल्टीवेशन नहीं किया है वो कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर आते हैं। इसके बाद अगर कल्टीवेटेड फार्मिंग की बात करें, सो जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है कल्टीवेटेड फार्मिंग, तो यहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पर हम एरेबल लैंड में कल्टीवेशन करते हैं। एरेबल लैंड क्या होता है? ऐसा लैंड जो कि क्रॉप्स लगाने के लिए सूटेबल होता है। यहाँ पर जो डिफरेंट फार्म कम्युनिटीज़ होती हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो लैंड को कल्टीवेट करते हैं, वहाँ पर क्रॉप्स लगाते हैं और उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेते हैं। इसके बाद कल्टीवेटेड फार्मिंग को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है। यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पर कल्टीवेटेड फार्मिंग को दो टाइप से क्लासिफाई किया है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग।
स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में हमें किसी सिंगल फार्मिंग सोर्स से 50% से भी ज़्यादा इनकम मिलती है, उसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग बोलते हैं। जैसे कि एक एरिया है, वहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं और पोल्ट्री भी कर रहे हैं। तो अगर हम इनके प्रोडक्शन की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन जो कि ब्लू कलर में दिया है, उससे हमें 70% इनकम मिल रही है। और ऑरेंज कलर में यहाँ पे डेयरी फार्मिंग का दिया है, जिससे हमें 20% इनकम मिल रही है, और पोल्ट्री फार्मिंग उससे हमें 10% इनकम मिल रही है। सो ये है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रॉप प्रोडक्शन से 50% से भी ज़्यादा इनकम मिल रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें क्रॉप प्रोडक्शन से 70% इनकम मिल रही है। सो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में हम किसी एक एंटरप्राइजेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उससे हमें 50% से भी ज़्यादा इनकम मिलती है। अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। फर्स्ट है बेटर यूज़ ऑफ लैंड, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एंटरप्राइजेस से 50% से भी ज़्यादा इनकम मिलती है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लैंड का यूज़ बेटर होता है। नेक्स्ट है बेटर मार्केटिंग। सो जैसा कि हमें किसी एक पर्पस से, एक एंटरप्राइजेस से ज़्यादा इनकम मिल रही है, तो वो मार्केटिंग पर्पस के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है कॉस्टली एंड एफिशिएंटली मशीनरी कैन बी कैप्ड। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम किसी एक एंटरप्राइजेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उस एंटरप्राइजेस के लिए हमें मशीनरी लेकर आना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम और अच्छी अच्छी और एक्सपेंसिव मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड स्किल इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी एक एंटरप्राइजेस से हमको 50% से भी ज़्यादा इनकम चाहिए, तो हमें जिस भी एंटरप्राइजेस से ज़्यादा इनकम चाहिए, उस एंटरप्राइजेस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा स्किल्स अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट है बेटर मैनेजमेंट। यहाँ पर हम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे से कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन फोकस बहुत सारे एंटरप्राइजेस पर नहीं होके किसी एक एंटरप्राइजेस पर ज़्यादा होता है, इसीलिए उसे मैनेज करना इजी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस इक्विपमेंट्स एंड लेबर्स आर नीडेड। क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही एंटरप्राइजेस से ज़्यादा इनकम मिलती है, और यहाँ पर हमारा फोकस अलग अलग एंटरप्राइजेस का नहीं होता है, इसीलिए हमें उन एंटरप्राइजेस के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। सो ये थे इसके एडवांटेजेस। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो फर्स्ट है ग्रेटर रिस्क। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से ज़्यादा रिस्की होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर अलग अलग फार्म एंटरप्राइजेस को यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हमारा फोकस केवल एक एंटरप्राइजेस पर होता है, बाकी एंटरप्राइजेस पर हमें ज़्यादा इनकम नहीं मिलती है, तो यहाँ पर हमें लैंड, लेबर और कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बाय प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। सो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन से हमें 70% इनकम मिल रही थी, लेकिन वहीं अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें, तो उससे हमें केवल 20% इनकम मिल रही थी। यहाँ पर हम बाय प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव स्टॉक इनसफिशियंट होते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है नॉलेज ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस बिकम लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग एंटरप्राइजेस को यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें उतना नॉलेज भी नहीं मिल पाता है, और हमारे पास लिमिटेड नॉलेज भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनेबल टू सप्लाई ऑल द फूड नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। सो जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर हम
अलग अलग एंटरप्राइजेस को यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स की जो हाउस होल्ड नीड्स है वो भी पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाती है। सेकेंड टाइप है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में हमें किसी एक सोर्स से भी 50% इनकम भी नहीं मिल पाती है। जैसे कि यहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन से हमें 40% इनकम मिल रही है, डेयरी से हमें 30% इनकम मिल रही है और पोल्ट्री फार्मिंग से हमें 30% इनकम मिल रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी भी एंटरप्राइजेस से हमें 50% इनकम भी नहीं मिल पा रही है। सो डाइवर्सिफाइड टर्म का मतलब होता है अलग अलग। तो यहाँ हम डाइवर्स एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है बेटर यूज़ ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंट एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लैंड, लेबर और कैपिटल को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और उनका यूज़ भी बेटर होता है। नेक्स्ट है फार्म गेट्स रेगुलर इनकम। क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस किसी एक एंटरप्राइजेस पर नहीं होकर सभी एंटरप्राइजेस पर होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें इनकम भी रेगुलर मिलती है। और क्योंकि रेगुलर इनकम मिलती है, इसीलिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी थ्रू आउट द ईयर होता है, मींस पूरे साल एम्प्लॉयमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप ड्यू टू नेचुरल कैमिटीज और मार्केट प्राइसेस लेस। सो यहाँ पे लेस रिस्की होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अलग एक्टिविटीज़ दूसरी एंटरप्राइजेस पर भी फोकस करते हैं, जैसे कि पोल्ट्री, लाइव स्टॉक। तो जब भी मार्केट प्राइस कम हो जाता है या फिर कोई नेचुरल कैमिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर हो जाते हैं, तो उसकी वजह उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स को उतना लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सॉइल इरोजन भी कंट्रोल रहता है और चेकड होता है। इन ऑल हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग स्पेशलाइज्ड फार्मिंग से कम रिस्की होती है। नेक्स्ट हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिसोर्सेज के अंदर कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन वेरियस टाइप ऑफ मशीनरीज। क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग एंटरप्राइजेस करते हैं और क्योंकि उनके लिए हमें अलग अलग मशीनरीज भी लेकर आना पड़ता है, तो वो यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाता है और वो इतना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है सुपरविजन ऑफ एंटरप्राइजेस इज डिफ़िकल्ट। सभी एंटरप्राइजेस पे ध्यान रखना, उन्हें मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर। तो ये इसके हैं डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल के बेसिस पर हम कल्टिवेटेड फार्मिंग को दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, इंटेंसिव कल्टिवेशन एंड एक्सटेंसिव कल्टिवेशन। फर्स्ट है इंटेंसिव कल्टिवेशन। इंटेंसिव कल्टिवेशन का मीनिंग क्या होता है समझते हैं। इंटेंसिव कल्टिवेशन में लैंड फिक्स होता है, वो स्मॉल होता है, लेकिन वहीं अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वहाँ पर हम इनपुट्स को बढ़ाएंगे, मींस उसी लैंड के ऊपर हम कैपिटल ज़्यादा लगाएंगे, लेबर्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का यूज़ करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, मींस पर हेक्टेयर एरिया में हमें जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो ज़्यादा होगा। इसे हम यूजुअली लाइव स्टॉक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स काफ़ी प्रिसाइजली होता है, मींस यहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर लैंड स्मॉल होता है, इसीलिए उसे मॉनिटर करना, डे टू डे मॉनिटरिंग की यहाँ पर ज़रूरी होता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन मॉडर्न डेज में किया जाता है, जहाँ पर फार्मर्स के पास लैंड स्मॉल होता है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो इनपुट्स को इंक्रीज करता रहता है। यहाँ पर वो डिफरेंट मशीनरीज को यूज़ करता है, फर्टिलाइजर्स, कैपिटल, लेबर को बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सो ये था इंटेंसिव कल्टीवेशन।
नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में फार्मर्स के पास लैंड ज़्यादा होता है, यहाँ पर फार्मर ज़्यादा इनपुट्स को यूज़ नहीं करता, यहाँ पर कैपिटल और लेबर का लेवल लो होता है लेकिन लैंड का लेवल यहाँ पर हाई होता है। सो क्योंकि यहाँ पर लैंड ज़्यादा होता है तो यहाँ पर मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट और डे टू डे मॉनिटरिंग नहीं हो सकती है। यहाँ पर हेक्टेयर आउटपुट कम होता है, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिव कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन पहले के ज़माने में किया जाता था जब फार्मर्स के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होते थे और वहाँ पर वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे जिन पे उन्हें ज़्यादा इनपुट्स लगाने नहीं पड़ते थे, लेकिन वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। सो इस लेक्चर में हमने पढ़ा फार्मिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।